नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RSCIT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करना एवं अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है URL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूरा नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आपके सामने है डॉस, विंडोज, MS वर्ड, लिनक्स। दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर तीन आपका है, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग है। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है, गोव एडू मेल और मेल और नेट एक्स स्टेशनों को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लो टॉप लेवल डोमेन। ऑप्शन नंबर सी होगा, टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। दोस्तों ऑप्शन आपके हैं, डिस्क स्पेस पेकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइलें कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए, वायरस को हटाने के लिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वह है, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप के का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। निम्न कथनों में से आपको बताना है इनमें से कथन सत्य कौन सा है। दोस्तों आपका इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी। CRT मॉनिटर से पतला होता है, राइट है, डॉट मैट्रिक्स सबसे अधिक गति वाला कंप्यूटर है, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, डाटा की जरूरतों के पूर्वानुमान द्वारा हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता में सुधार करती हैं। आपके ऑप्शन है डिस्क कैशिंग, डिस्क फिडेगनेट, डिस्क राइटिंग, उपयोग सभी। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क कैशिंग। डाटा की जरूरतों के पूर्वानुमान द्वारा हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता में सुधार करती है डिस्क कैशिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एट है, निम्न में से कौन सा करेक्टर फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्टर है जो इनमें फाइल को नामित करते समय इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विनजिप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, विंडोज में एक प्रकार पावर सेविंग की अवस्था क्या है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विंडोज में एक पावर सेविंग की अवस्था है लॉन्ग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट, लॉक। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लीप। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ता को संदेश दे सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, मेल मर्ज, माइक्रो मर्ज, मेगा मर्ज, मैक्रो मर्ज। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ब्रेड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, करेक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए को निशान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले शुरू होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले शुरू कहाँ से होते हैं। तो इक्वल से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बाबेज है कंप्यूटर के जनक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? दोस्तों निम्न में से आपको बताना है कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन और होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क। ये होते हैं इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। और कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस है। याद रखना दोस्तों, इनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।